क्या कहता है नीट इंफॉर्मेशन बुकलेट 2022 का जम्मू कश्मीर का ऑल इंडिया 15% कोटा के पार्टिसिपेशन के बारे में। गाइस हम देख लेते हैं जो ऑफिशियल बुकलेट है उनमें जो पैराग्राफ मेंशन है इसके रिगार्डिंग। नीट 2022 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ऐसा है जिसमें कि सबको फायदा होने वाला है नीट 2022 के एग्जामिनेशन के बाद जो काउंसलिंग होगी। जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जो कि ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं करता था नीट 2021 तक। इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं ऑल इंडिया 15% की जो काउंसलिंग होती थी उसमें जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ऑल इंडिया 15% के थ्रू एडमिशन नहीं होता था। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम देते हैं वो जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी किसी स्टेट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, उससे पहले उनको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता था। नीट 2022 में हालांकि डिक्लेरेशन फॉर्म जम्मू एंड कश्मीर की ओर से सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसके हिसाब से नीट 2022 की काउंसलिंग में जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेट करेगा 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स में। मतलब ये हुआ कि जो 15% की सीट्स हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस को लॉक कर पाएंगे। साथ ही साथ जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी के स्टेट्स में जो 15% की सीट होती हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स सिर्फ जो ओपन सीट होती थी यानी एम्स, जिपमर और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स होती थी उन पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी ओपन सीट के थ्रू अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस बार 2022 में ये चेंज किया गया है। चेंज है ऑफिशियल नोटिफिकेशन एनटीए की ओर से जो कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट में है। गाइस कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, इस वजह से उसको सर्च मत कीजिएगा। दूसरा, अभी भी किसी भी मीडिया रूम में ये न्यूज़ नहीं दी गई है कि जम्मू कश्मीर 2022 से ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो भी आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर इसका नहीं मिलेगा। मेडिका विंग नीट इन्फॉर्मेशन की बुकलेट के हिसाब से जो डिटेल है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। क्या कहता है नीट इन्फॉर्मेशन बुकलेट 2022 का जम्मू कश्मीर का ऑल इंडिया 15% कोटा के पार्टिसिपेशन के बारे में। गाइस हम देख लेते हैं जो ऑफिशियल बुकलेट है उनमें जो पैराग्राफ मेंशन है इसके रिगार्डिंग। सो गाइज हियर इज द डिटेल। इंस्ट्रक्शन फॉर काउंसलिंग बाय द एमसीसी फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस। ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो एमसीसी की ओर से किया जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स इन्फॉर्मेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग वुड बी अवेलेबल ऑन एमसीसी वेबसाइट। वेबसाइट है mcc.nic.in/ug-counseling। अब ये जो वेबसाइट है mcc.nic.in, हम सभी जानते हैं कि ऑल इंडिया कोटा की जो 15% की सीट्स होती हैं प्लस ओपन सीट्स यानी एम्स, जिपमर और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की जितनी सीट्स होती हैं उनमें जो काउंसलिंग होती है वो एमसीसी के थ्रू करती है, राइट। अब एमसीसी काउंसलिंग किसके लिए कंडक्ट करेगा 2022 में? जो फर्स्ट पॉइंट है 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स एमबीबीएस बीडीएस सीट्स ऑफ स्टेट्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटीज दे विल पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फ्रॉम 2022-23। इससे पहले इस कॉलम में ये लिखा रहता था कि जो जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं या जम्मू कश्मीर का जो कॉलेज है वो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसीलिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हालांकि काउंसलिंग शुरू होने से पहले अगर कोई अपडेट आता है तो उसको ऐड किया जाएगा। यानी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट होता था, चाहे वो एमसीसी का हो या फिर आप नीट का इन्फॉर्मेशन बुकलेट 2021 का देखेंगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन रहती थी, लेकिन 2022 का जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है उसमें 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस में जो एमसीसी का एडमिशन होगा उसमें जम्मू एंड कश्मीर अथॉरिटीज की ओर से यह इंफॉर्मेशन एनटीए को दिया गया है कि इस बार 2022-23 के सेशन से जम्मू एंड कश्मीर ऑल इंडिया की जो 15% की सीट्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी वहां के कॉलेजेस अवेलेबल होंगे ऑल इंडिया 15% कोटा के सीट्स में। अब इसका फायदा किसे होगा? इसका फायदा नो डाउट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया के नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको होने वाला है। क्यों? क्योंकि वहां के जो 7-8 कॉलेजेस हैं उनमें 15% की सीट्स बाकी के स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी एज पर रूल 15% ऑल इंडिया कोटा। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को कैसे फायदा मिलेगा कि ऑल इंडिया कोटा की जितनी सीट्स होती हैं जिन पर कि वो अप्लाई नहीं कर सकते थे, अभी तक डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ता था, हालांकि 2022 में भी उनको डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ रहा है,
अगर वो ऑल इंडिया कोटा 15% की सीट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। लेकिन हालांकि ये जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्मेट है, पूरा 2021 का जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसके हिसाब से है। एमसीसी का जब काउंसलिंग ब्रोशर रिलीज किया जाएगा गाइज, उस समय इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उस समय जो स्टूडेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे एमसीसी की काउंसलिंग में, लॉगिन करने के बाद उनके पास ऑप्शन आ जाएंगे, राइट। सो ये बहुत ही अच्छा एक डिसीजन है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की ओर से। उन्होंने पहले ही अनाउंस किया था कि आने वाले दिनों में ऑल इंडिया 15% की जो सीट की काउंसलिंग होती है उसमें जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेट करेगा, राइट। और सेम चीज़ एनटीए को इन्फॉर्म की गई है, एनटीए ने इसे इन्फॉर्मेशन बुकलेट में अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है नीट का। आने वाले दिनों में नो डाउट सीट बढ़ेंगी, सीट बढ़ने की वजह से इसका डायरेक्ट बेनिफिट डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट्स को होगा। किसी भी स्टेट की कट ऑफ आप चाहते हैं, किसी भी स्टेट के कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा के थ्रू लास्ट किस रैंक पर, किस मार्क्स पर, कॉलेज वाइज कहाँ पर एडमिशन हुआ था, देन गाइज उसकी डिटेल अब अवेलेबल है मिडका विंग के ऐप पर। आपको डाउनलोड करना है मिडका विंग का ऐप और वहाँ पर एक कोर्स है नीट गवर्नमेंट MBBS कट ऑफ 2021 एंड 2020 PDFs ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा, जो कि डेली अपडेट किया जाता है मिडका विंग की ओर से ऐप पर। 2021 और 2020 दोनों के ही क्या कट ऑफ रहा, जैसे कि अगर आप एम्स कट ऑफ की बात करें, एम्स 2021 में एम्स दिल्ली, एम्स मॉपअप लास्ट रैंक, उसके बाद ऑल एम्स कॉलेज कट ऑफ, एम्स भोपाल, एम्स बठिंडा, बिलासपुर, गुवाहाटी, जम्मू, ऑल ऑन, यहाँ पर एक फाइल अगर आप इसको ओपन करके देखें देन ये फाइल आप एक्सेस कर सकते हैं मिडका विंग के ऐप पर। यहाँ पर हर राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, यानी फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, मॉपअप राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ गया था वो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। जो कोर्स अवेलेबल है स्टोर सेक्शन में मिडका विंग के ऐप पर, आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। अब यहाँ पर जैसे एम्स की बात होगी, इसके अलावा अगर आप स्टेट की कट ऑफ देखेंगे तो नीट यूजी 2021 की जो कट ऑफ PDF यहाँ पर है 434 फाइल्स यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर 43 फ्री कंटेंट्स भी हैं, इस कोर्स में कई सारे फ्री कंटेंट्स भी, मोर देन 70-80 फाइल्स आपको फ्री में एक्सेस करने के लिए मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप कंप्लीट हर कॉलेज की डिटेल चाहते हैं स्टेट वाइज, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, देन नो डाउट कि आपको ये कोर्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। फीस बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ 599 रुपीज, राइट। जम्मू एंड कश्मीर में प्लस ऑल इंडिया कोटा में क्या रहेगा कट ऑफ 2022 में, मिडका विंग की एग्जैक्ट एनालिसिस शेयर करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। गाइज इसमें डेफिनेटली फायदा होगा उन सभी स्टूडेंट्स को जो नीट 2022 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हों। सीट बढ़ेगी, नो डाउट कि थोड़े बहुत रैंक्स का डाउन होगा। हालांकि इस बार जो टाइम है, 3 घंटे का पेपर पहले होता था, अभी इस बार 3 घंटे 20 मिनट का कर दिया गया, ड्यूरेशन बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जो एज का क्राइटेरिया है उसको भी हटा दिया गया है, यानी 25 इयर्स के ऊपर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस बार अप्लाई कर रहे हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा उन स्टूडेंट्स को जो 25 ईयर्स एज क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन कंपटीशन किसके लिए बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा जो फ्रेशर हैं उनके लिए। रिपीटर को जहां एक तरफ बेनिफिट होने वाला है, वहीं तरफ जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 12th अभी किया है या फिर एक साल पहले किया है, इन लोगों को फेयर कंपटीशन मिलने वाला है इन सभी स्टूडेंट्स से जो कि सीनियर्स हैं, जिन्होंने जो कि कई साल के ड्रॉपर्स हैं। इसका असर डायरेक्टली नीट के मार्क्स पर और कट ऑफ पर पड़ेगा, नो डाउट कि 2021 की तरह भी कट ऑफ ऊपर जाने की पूरी उम्मीद है। क्या रहेगा कट ऑफ और कितने मार्क्स पर मिनिमम एडमिशन होगा MBBS के कोर्स में, ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसमें डिफरेंट स्टेट्स में क्या कट ऑफ जाने वाला है 2022 में, नीट का एक्सपेक्टेड, मिडका विंग की एग्जैक्ट एनालिसिस बताएंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आप मिडका विंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मिडका विंग की ओर से मैं अमित ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए लेकर आया था। आपका कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मिडका विंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग मिडका विंग, थैंक्स अ लॉट।